सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये देखो, ये जर्नल एंट्री का प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने थोड़ा लेट इसे अपलोड किया है। जब तक देखो आपको लेजर आपका जब तक एडमिशन ऑफ पार्टनर का परफेक्ट नहीं होता, तब तक जर्नल एंट्री समझने में दिक्कत होती है। तो मेरे कुछ व्यूवर हैं, उनको जो फिफ्थ क्वेश्चन जर्नल एंट्री का मैंने एक्सप्लेन किया था, उनमें कुछ लोगों को डाउट आया था। तो देखो, मैं आपको बेसिक रीज़न बता दूं। जब तक आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेजर परफेक्ट नहीं होता, तब तक जर्नल एंट्री समझने के लिए आपको थोड़ी दिक्कत होगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी जर्नल एंट्री पास करते समय पहले आपको वो लेजर पोस्टिंग विजुअलाइज करना है कि अगर हम इसका लेजर पोस्टिंग करते तो किधर करते, और वो सोच के आपको जर्नल एंट्री पास करना है। आज के इस लेक्चर में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जर्नल एंट्री कैसे लेजर को देख के पास की जाती है, वो मैं बताने वाला हूँ। देखते हैं पहले क्वेश्चन। ये देखो, दो पार्टनर हैं, अमलेंडू एंड समीर। ये दो पार्टनर हैं, इनका रेशो है 3:2। और तीसरा पार्टनर जो ज्वाइन हो रहा है, दैट इज़ परेश। ओके, और ये हमारा एडजस्टेड कैपिटल वाला पार्ट प्रॉब्लम नहीं है देखो, जिसमें हमें रेशियो निकालना पड़ता है और फिर उनका कैपिटल क्रिएशन करना होता है। ये वो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मुझे लास्ट एडजस्टमेंट वो नहीं दिख रहा है देखो, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, एंड एक्सेस कैपिटल टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट और कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम में हमें न्यू रेशो निकाल के एडजस्टेड कैपिटल निकालने का ज़रूरत नहीं है। और एकदम बॉटम लाइन में देखिए, पास अननेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म बताया गया है। तो ये जर्नल एंट्री वाला प्रॉब्लम है। तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर, अगर जर्नल एंट्री वाला प्रॉब्लम आएगा तो हमें पहले पूरा एडमिशन ऑफ पार्टनर के लेजर टैली करना होगा, लेजर बना के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के, देन बैलेंस शीट बना के, टैली करने के बाद जर्नल एंट्री पास करना होगा। तो नहीं बच्चों, आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप पूरा एडमिशन और पार्टनर टैली करने के बाद उसका जर्नल करो। तो मैं आपको कम समय में किस तरह एडमिशन ऑफ पार्टनर की जर्नल एंट्री पास की जाती है ये बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको बैलेंस शीट बहुत केयरफुली देखनी है। अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरल रिजर्व अगर आपको दिखता है, तो आप सबसे पहले उसका जर्नल एंट्री पास करो। अब ये मैं जो बेसिक रूल आपको बताने वाला हूँ वो पहले समझ लो। जैसे जनरल रिजर्व का पोस्टिंग आपको पता है, हम इसका पोस्टिंग करते हैं जब हम लेजर बनाते हैं, तब जनरल रिजर्व का हम पोस्टिंग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं बाय जनरल रिजर्व पर्टिकुलर कॉलम में, और फिर फर्स्ट पार्टनर को हम रेशो के हिसाब से पैसा बांटेंगे। जैसे इसमें 3:2 है, तो पहले पार्टनर को 12,000 देंगे और सेकंड पार्टनर को 8,000 देंगे। तो देखो, ये एंट्री आपको विजुअलाइज करना है कि लेजर पोस्टिंग आप किधर करते। तो इस एंट्री का लेजर पोस्टिंग आप पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में करते। तो मैं आपको एक शॉर्टकट रूल बता रहा हूँ। देखो, जो भी लेजर पोस्टिंग आप क्रेडिट में करोगे, उसे 2 मिनट के लिए सोचो, ये एंट्री मेरा क्रेडिट में होने वाला है। तो क्रेडिट में होने वाला एंट्री जब भी आप करते हो, तो उसका जर्नल एंट्री कैसे पास होता है, देखो आप उस क्रेडिट के पर्टिकुलर कॉलम में जो लिखने वाले हो, जैसे जनरल रिजर्व में हम क्या लिखने वाले हैं, बाय जनरल रिजर्व, तो वो नाम आपको पहले लिखना है, दैट इज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। और फिर आपको 2 में क्या लिखना है, 2 में आपको उस अकाउंट का हेडिंग लिखना होता है। तो उस अकाउंट का हेडिंग है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख के नहीं चलेगा, जो पार्टनर है जिनको आप वो जनरल रिजर्व देने वाले हो उनका नाम लिखोगे। तो देखो, पहले मैं कॉलम बना लेता हूँ। तो मेरा पहला जर्नल एंट्री, जैसे मैंने आप देखो हर एंट्री में मैं आपको बता दे जाऊँगा कि क्रेडिट का एंट्री रहेगा तो हम पर्टिकुलर में अंदर जो लिखने वाले हैं वो पहले लिखेंगे और बाद में उस अकाउंट का हेडिंग लिखेंगे। जब डेबिट का एंट्री आएगा तो उसका भी रूल बता दूंगा। तो चलिए जनरल रिजर्व का एंट्री पास करते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, दैट इज 20,000 टू फर्स्ट पार्टनर टू सेकंड पार्टनर, दैट इज 12,000 एंड 8,000। नरेशन,
being general reserve distributed among the partners in 3:2 ratio. ये मेरा पहला जर्नल एंट्री पास हो गया। तो जब भी आप एडमिशन ऑफ पार्टनर करते हो तो पहले जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस को देख लो, उसका पहले जरा एंट्री कर लो। आफ्टर दैट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, वो बना लो एज अ वर्किंग नोट, उसका सब पोस्टिंग कर लो, फिर उसका एंट्री कर लो। तो चलो वही करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं एज अ वर्किंग नोट। देखो जरा एंट्री वाला प्रॉब्लम है, लेकिन आपको इसमें जैसे डिसॉल्यूशन में जरा एंट्री वाला प्रॉब्लम आता है तो रियलाइजेशन अकाउंट एज अ वर्किंग नोट आपको बनाना होता है, उसी तरह एडमिशन ऑफ पार्टनर में अगर जरा एंट्री वाला प्रॉब्लम आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और आई कैन से रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको उधर बनाना है एज अ वर्किंग नोट। तो बना लेते हैं हमारा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसी का दूसरा नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसमें देखो आपको पता है कि अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हम क्रेडिट में एंट्री करेंगे और अगर हमें लॉस होगा तो हम डेबिट में एंट्री करेंगे। सो इफ़ आई रीड द थर्ड एडजस्टमेंट आई कैन सी दैट लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 60,000 हो गया जो पुराने बैलेंस शीट में 50 है, तो आपको इधर 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, राइट? कल तक आपका लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 था ओल्ड बैलेंस शीट में और एडजस्टमेंट में उसका वैल्यू 60,000 है, मतलब आपका असेट का वैल्यू 10,000 से बढ़ रहा है और ये आपके लिए प्रॉफिट है। तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ये आपका नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये 10,000 का इनकम हमें हुआ है या गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो उसका एंट्री मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में करूँगा। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 ओनली वही अमाउंट लिखना है आपको जिसका आपको जितना फ़ायदा हुआ है या जितना लॉस हुआ है। देन इफ आई सी द प्लांट एंड मशीनरी, इसका वैल्यू 16,000 हो गया लेकिन देखो पुराना वैल्यू 20,000 है तो 4,000 का लॉस हो गया। लेकिन स्टॉक को अगर मैं देखूँगा तो स्टॉक का पुराना वैल्यू था 16,000, नाउ इट बिकम 20,000, तो स्टॉक में मुझे फ़ायदा हुआ है 4,000 का, प्लांट एंड मशीनरी में लॉस हुआ है 4,000 का। चलो वो एंट्री पास करते हैं। तो पहले स्टॉक का जो मुझे प्रॉफिट हुआ है 4,000 वो लिखा मैंने, प्रॉफिट हुआ इसके लिए देखो क्रेडिट में एंट्री किया, बट प्लांट एंड मशीनरी में मुझे 4,000 का लॉस हुआ है सो डेबिट में आ गया। सॉरी फर्नीचर में 4,000 का लॉस हुआ है क्योंकि फर्नीचर भी देखिए आप, हाँ फर्नीचर में भी 4 का हुआ है और प्लांट एंड मशीनरी में भी 4 का हुआ है। तो फर्नीचर पहले आपका 8,000 का था, अभी वो 4,000 का हो गया नीचे के वैल्यू में, तो 4,000 का लॉस हो गया। उसी तरह आपका प्लांट एंड मशीनरी उधर भी आपको 4,000 का लॉस, कैसे? देखो बैलेंस शीट में आपका प्लांट एंड मशीनरी है 20,000 और नीचे एडजस्टमेंट में आपका प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 16,000, 4,000 का लॉस हो गया। तो इस तरह देखो दो प्रॉपर्टी में प्रॉफिट हुआ है, दो प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है, लेकिन और एक एडजस्टमेंट है दैट इज़ RDD, और RDD आपको पता है RDD हमेशा, RDD का मतलब होता है हमें डाउट है कि इतना पैसा हमारा डूबने वाला है, रिकवर नहीं होगा, तो ये हमारे लिए लॉस हो गया। दैट इज़ 5% ऑन डेटर और इनका डेटर है 24,000, सो 24,000 का 5% आएगा 1,200, क्योंकि हमारे लिए लॉस है तो डेबिट में लिखेंगे। लॉस अभी तक तो हुआ नहीं लेकिन हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि हमें इतना लॉस हो सकता है। सो इन दिस वे मैं अभी पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा क्रेडिट साइड हेवी है, दैट इज़ 14,000, सेम आई विल राइट टू द क्रेडिट डेबिट साइड एंड इफ आई डिडक्ट दिस 9,200 आई विल गेट 4,800 एज अ प्रॉफिट, और ये 4,800 मैं दोनों पार्टनर में डिवाइड करूँगा, दैट इज़ 2,880 फर्स्ट पार्टनर को मिलेगा और 1,920 सेकेंड पार्टनर को मिलेगा। इस तरह देखिए आपको एज अ वर्किंग नोट PNL एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले क्लोज करना है। अब देखो मैं अभी वो रूल बताने वाला हूँ आपको कि किस तरह लेजर को देख के हम जरा एंट्री पास करेंगे। तो अगर क्रेडिट का एंट्री मुझे पास करना है तो पहले वो जो पर्टिकुलर कॉलम के अंदर मैंने जो लिखा है वो लिखूँगा और बाद में इस अकाउंट का हेडिंग लिखूँगा। जैसे अगर मुझे इस PNL एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड का एंट्री पोस्ट करना है जैसे लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक का, तो देखो किस तरह एंट्री पास करूँगा क्योंकि क्रेडिट में है। तो पहले पर्टिकुलर के अंदर मैंने जो लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक वो पहले लिखूंगा और फिर इस अकाउंट का हेडिंग जो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो देखिए मेरा जरा एंट्री,
land and building account debit, stock account debit, two P&L adjustment account 14,000, being land and building and stock appreciated. इसी तरह ये मैंने क्रिएट का रूल आपको दो बार बता दिया, क्यों जनरल रिजर्व का भी एंट्री हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में करते हैं और ये प्रॉफिट का एंट्री भी हम P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में करते हैं। अब जरा डेबिट वाला रूल समझ लो। डेबिट वाला एंट्री पास करना होगा तो पहले अकाउंट का हेडिंग लिखोगे, जैसे इस अकाउंट का हेडिंग है P&L प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो वो पहले लिखूंगा। देन अंदर मैंने पर्टिकुलर में जो लिखा है वो लिखूंगा, जैसे टू फर्नीचर, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू RDD। सो बेइंग फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड 5% RDD मेंटेन, मतलब नरेशन में आपको लिखना है बीइंग डेप्रिसिएटेड फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी एंड RDD मेंटेन 5%। ये हो गया मेरा तीसरा जर एंट्री। अब मुझे जो प्रॉफिट हुआ है, जो पार्टनर को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, वो पास करते हैं। अगेन देखो वो भी मेरे डेबिट साइड में है। तो अभी मैंने आपको डेबिट का रूल बताया, पहले अकाउंट का हेडिंग लिखेंगे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट पार्टनर एंड टू सेकेंड पार्टनर, बीइंग प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। इस तरह देखो आपका चार जरा एंट्री पास हो गया। अब हम देखते हैं नया पार्टनर आया है तो आते समय कितना कैपिटल लेके आया है, कितना गुडविल लेके आया है। तो देखो ये न्यू पार्टनर आते समय 20,000 कैपिटल लेके आया है, आपको पता है। अगेन हम दो मिनट के लिए विजुअलाइज करते हैं, जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो हम वो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में करते हैं। हम उधर लिखते हैं बाय कैश पर्टिकुलर में, और वो अमाउंट हम न्यू पार्टनर के कॉलम में लिखते हैं। और इसलिए देखिए मैंने जो आपको रूल बताया उस रूल के हिसाब से ये एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू परेश कैपिटल अकाउंट, बीइंग कैश ब्रॉट बाय परेश एज अ कैपिटल। तो ये हमारा वो जर एंट्री पास हो गया जिसमें न्यू पार्टनर ने जो अपना इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन लाया था कैपिटल, वो हमने पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एंट्री दैट इज रिलेटेड टू गुडविल। सो पहले गुडविल का एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। सी गुडविल का पहला ही एडजस्टमेंट है दैट ही शैल पे 16,000 एज अ गुडविल, 50% ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। पहले इस एंट्री का मतलब समझ लो। देखो परेश इस फर्म में ज्वाइन हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर, सो आते समय उसने 20,000 अपना कैपिटल लेके आया, वो उसका इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, और उसने गुडविल लाया है 16,000। तो पहले तो हम उसने जो गुडविल लाया है 16,000 वो हम दोनों पार्टनर को 3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसके बाद 50% गुडविल, वो जो 16,000 गुडविल लाया है उसका 50% मतलब 8,000 गुडविल दोनों पार्टनर ने विड्रॉ किया है। तो अगेन पहले समझ लो, जब हम लेजर अकाउंट अगर बनाते तो गुडविल का एंट्री आपको पता है, जब भी न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है हम उसका एंट्री पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में हम लिखते हैं बाय गुडविल, और वो गुडविल हम पुराने दो पार्टनर को रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगेन मैंने बताए हुए रूल के हिसाब से, क्योंकि क्रेडिट साइड में मैं बाय गुडविल लिखने वाला हूँ, तो देखिए मेरा जरा एंट्री क्या होगा। मेरा जरा एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डेबिट 16,000 टू अमलेंदु कैपिटल अकाउंट दैट इज 9,600 एंड टू समीर कैपिटल अकाउंट दैट इज 6,400। ये मेरा वो एंट्री है जिसमें 16,000 गुडविल परेश ने लाया था और वो गुडविल हमने दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो देखिए नरेशन, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। अब इसके बाद हमें वो एंट्री पास करना है कि ये जो गुडविल परेश लेके आया था 16,000, उसका 50% गुडविल पुराने जो दो पार्टनर हैं उन्होंने विड्रॉ करने का डिसाइड किया है। तो जरा ये एंट्री भी अच्छी तरह समझ लो। व्हेनेवर गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, तो जरा एंट्री कैसे होगी, देखो जब ये गुडविल विड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे टू बैंक, और ये जो भी गुडविल है दैट इज 16,000 का 50% 8,000 को हम रेशो में डिवाइड करेंगे दैट विल बी 4,800
एंड 3,200 वो हम पुराने दो पार्टनर के डेबिट में उनके कॉलम में वो अमाउंट लिखेंगे। तो देखो अब ये एंट्री पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में पोस्ट होने वाली है, इसलिए डेबिट में पोस्ट होने वाली एंट्री रहेगी तो हम पहले हेडिंग लिखेंगे। तो मेरा हेडिंग रहेगा फर्स्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेकेंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो लेट्स सी दैट अमलेंदु कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,800, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,200 टू बैंक। ये टू बैंक ठीक से समझ लो, वेन एवर ओल्ड पार्टनर विड्रॉ गुडविल तो उधर टू बैंक लिखा जाता है। सो 8,000 गुडविल, देखिए 50% गुडविल 16,000 का, 50% हो गया 8,000, 8,000 गुडविल दोनों पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया। नरेशन बीइंग 50% गुडविल विड्रॉन। अब इस तरह देखिए मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो गया, पार्टनर्स कैपिटल को भी मैंने अभी क्लोज कर दिया और आपको पता है। अब हम जब पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे तो उधर या तो डेबिट में या तो क्रेडिट में लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन या बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो हम जब भी ये टू बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं तो वो बैलेंस जाता है बैलेंस शीट में। और मैंने आपको प्रॉब्लम की शुरुआत में ही बताया कि बैलेंस शीट में से आने वाला अमाउंट अकाउंट में और अकाउंट से बैलेंस शीट में जाने वाला जो अमाउंट होता है उसका जीरो एंट्री पास नहीं होता। सो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर टू है एडमिशन ऑफ पार्टनर का, वो इतनी 7 जीरो एंट्री के बाद ही क्लोज हो जाएगा। तो देखिए किस तरह कोई भी अकाउंट हमने बनाया नहीं, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एज अ वर्किंग नोट हमने बनाया है और ये 7 एडजस्टमेंट 7 जीरो एंट्री मैंने आपको सिर्फ इमेजिन करके सोच के उसे किस तरह पोस्ट किए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया।